नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 4 शातिर वाहन लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल, 1 बुलेट सहित 1 अदद देसी पिस्टल बरामद की गई है। दरअसल बलिया में वाहन चोरों की सक्रियता बढ़ गई है, लिहाजा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि शातिर वाहन चोर चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर आसपास के जनपदों व बिहार राज्य में बेच देते थे। पकड़े गए वाहन चोरों में सुखपुरा निवासी योगेश उर्फ मोहन राय के खिलाफ कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि सभी पकड़े गए वाहन चोर लूट और चोरी की घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा कुल 4 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जिनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है, चोरी और कुछ लोगों का लूट का भी। इनके पास से गिरफ्तारी के क्रम में हमें चोरी की गई कुल 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिसमें 1 बुलेट भी है, और यह बुलेट कोतवाली से ही चोरी हुई थी, उसका अनावरण हुआ है। एक सुखपुरा से, इसमें से जो बाइक बरामद हुई है एक सुखपुरा से कनेक्ट हो रही है। बाकी अन्य जो बाइक्स हैं उनके बारे में भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं, उनके कनेक्शन को ढूंढा जा रहा है। इसमें से अभियुक्त के पास हमको एक पिस्टल भी बरामद हुई है। इस प्रकार से ये काफ़ी शातिर अपराधी हैं और यह एक बड़ी सफलता कोतवाली पुलिस को प्राप्त हुई है। इसमें आगे जो हम लोग अभी इनसे पूछताछ कर रहे हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हमको प्रकाश में आएंगे वो आगे भी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। तो जो ये बाइक चोरी की बरामद हुई है, ये जो चोर हैं वो कहाँ इसको बेचते थे, इसके बारे में कुछ जानकारी? इनका दरअसल ये काम है कि ये लोग चोरी की बाइक जब चोरी करते हैं या लूटते हैं तो उसके बाद में बाइक के नंबर्स को चेंज कर देना और उसमें उसके जो चेसिस नंबर हैं, इंजन नंबर हैं, उसमें कूट रचना करके इसको, इनका बेसिकली अभी पूछताछ में जो आया है तो ये बिहार में बेचने का इनका प्लान था। तो फिलहाल हम लोगों ने तो अभी इनको पकड़ लिया है, बाकी इन्होंने और बाइक अगर कहीं बेची है तो उसके बारे में भी जानकारी। क्या उम्र होगी सर इन लोगों की? उम्र लगभग 24-25 के आसपास में है।